जब कोई शब्द बार बार आपके कान में ऐसा पड़ रहा हो जिसमें ये आता हो अध्यात्म, आध्यात्मिकता, अध्यात्म यात्रा, अध्यात्म दीप, अध्यात्म योग, अध्यात्म उद्योग, इसका अर्थ क्या है? स्वभाव, सत्ता, सत्य की ओर ले जाने वाला कोई एक साधन, उसे कहते हैं अध्यात्म। तो कभी कभी अगर विपत्ति आए, हानि हो, अपयश हो, अपने रूट छूट जाए, तो इसको शास्त्रों में आध्यात्मिक योग कहा है। ये दुख का योग नहीं है। अज्ञानी पुरुष कहते हैं बड़ा दुख चल रहा है आजकल, दुख चल रहा है, दुर्योग है, दुर्दैव है, हतभाग्य है, दुर्भाग्य है, भाग्य सो गया। जो बेचारे अज्ञानी है उन्हें पता ही नहीं कि इस आध्यात्मिक योग को वो इतना क्यों छोटा बता रहे हैं। जब जगत के सत्य का, यहां के पदार्थों का हमें बोध होता है तो वो आध्यात्मिक योग है। हानि काल में, विशेषकर अर्थ हानि के समय, मान हानि के समय, विशेषकर उस काल में कि जब अपनों का विश्वास टूट जाए आपसे और आप सही हों, तो वो एक आध्यात्मिक योग होता है। परीक्षित का ये आध्यात्मिक योग है। इससे अधिक और उत्तम अवस्था, उच्च कोटि की अवस्था कोई हो नहीं सकती कि सातवें दिन उसकी मृत्यु है और सामने समर्थ सदगुरु उपदेश के लिए तत्पर है। धन्य है सुखदेव मुनि, उन्होंने शपथ ली, वो प्रतिज्ञा करके बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्य के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक तुझे ब्रह्मानुभूति, जब तक तुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, मैं कथा बंद नहीं करूंगा, कथा चलती रहेगी, मैं तुझे जगाता रहूंगा, मैं तुझे बताता रहूंगा। 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 7 दिन, तो कुछ पल में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ओर मुड़ जाएं। एक हल्का सा आवरण ही तो है सत्य के कलश के मुख पर, वो ढका ही तो है बस। हिरण्यमयीन पात्र, वो हिरण्य पात्र, वो स्वर्ण पात्र, वो आत्म पात्र एक किंचित आवरण से ही तो ढका है। जैसे कल्पना करो मेरे और आपके बीच में कोई एक कर्टेन आ जाए, मेरे और आपके बीच में कोई एक आवरण अथवा पर्दा आ जाए, तो क्या मेरी और आपकी दूरी चली हो गई? आप भी वही, मैं भी हूं। अच्छा, मेरे आपके बीच में एक पर्दा आ जाए बस, तो क्या आप बहुत दूर चले गए मुझसे? क्या मैं आपसे बहुत दूर चला गया? ना, हम तो वही हैं, एक बस पर्दा ही तो आया है। और पर्दे से आयतन बदल जाता है। बड़े हॉल में एक दीवार खड़ा कर दो तो कमरा हो गया। अरे, एक दीवार में ही एक हल्की सी आकृति, चार ईंटें क्या निकाली कि आला बना दिया उसने। वो प्रस्तर में से एक आकृति निकली, प्रस्तर एक जैसा, हथौड़ा घन एक जैसे बरस रहे हैं। बस कल्पना ही तो है, जो छेनी हथौड़े के साथ चल रही हैं, एक जैसा प्रस्तर, एक जैसा पत्थर, और उसमें से दुर्गा निकल गई, सरस्वती और लक्ष्मी, राम, हनुमान। अरे, मिट्टी तो एक ही है, मिट्टी में आकार का अंतर है, इसलिए वो आकार के कारण कुछ अलग 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 मिट्टी दिखाई देती है। दीपक, घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, सुराही के रूप में। सोना तो एक ही है, आकार की दृष्टि से वो अलग दिख रहा है कि वो हाथों के कंगन है या कि वो कर्ण का ताटंक है अथवा तो वो शोभायमान आपके गले में नेकलेस है, जो भी।
इस एक तत्व के प्रकाशन के लिए कि वो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, निमित्त उपादान कारण है, उससे भिन्न है।